हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास जमुनीलाल कॉलेज। आज हम प्राचीन भारतीय इतिहास में गुप्त काल को स्वर्णयुग क्यों कहा जाता है उसके ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। गुप्त काल है जो शांति का, समृद्धि का, सौहार्द का, सर्वधर्म संभाव, सहिष्णुता, सहमति का काल है। इस काल में सृजन की शक्तियों का उत्कर्ष हुआ, संस्कृत भाषा का उत्थान हुआ। इस काल में सामाजिक परिवेश बिल्कुल भयमुक्त था, सुरक्षित था, जैसे अपराध वृत्त का अंत हो गया था। जब अपराध सारे समाप्त हो जाते हैं तो दंड व्यवस्था में भी लचीलापन आना ही होता है। न्याय व्यवस्था अत्यधिक मानवीय हो चुकी थी, नगर समृद्ध थे, ग्रामीण क्षेत्रों में उत्पादन में वृद्धि से संपन्नता में वृद्धि हो रही थी। ऐसा लगता है जैसे संपूर्ण आबादी रोजगाररत हो गई हो। यह काल संस्कृत साहित्य की उन्नति का काल था, जिसमें कालिदास जैसे लेखकों का काफी महत्वपूर्ण योगदान था। इस काल में सर्वाधिक मात्रा में सोने की मुद्राएं जारी हुई। इस काल में मूर्तिकला, चित्रकला, वास्तुकला का देशीय परिवेश में विकास हुआ। विभिन्न वास्तुकला शैलियों का उत्थान हुआ। विज्ञान के क्षेत्र में नए नए प्रयोग हुए। उस काल के लौह स्तंभ आज भी इसके उदाहरण हैं। गुप्त काल का समय लोहे की तकनीक का अत्यधिक उपयोग का काल था। पूरे भारत के अंदर ऐसा लग रहा था मानो प्रत्येक नागरिक मन से, दिल से संतुष्ट हो। लौकिक संतुष्टि का अलौकिक आनंद उनके पास था, और यही कारण है प्रत्येक व्यक्ति अपने कल्पना को साकार करने में जुटा हुआ था। जिस प्रकार से कला, साहित्य, तकनीक का विकास होता है तो ऐसा लगता है कि यह शांति का था, क्योंकि जब तक समाज में शांति नहीं होगी तब तक सृजन का जन्म नहीं होगा। साहित्य के विकास सृजनात्मक विचारों में विकास के बाधी होता है, इसलिए इस काल को हम स्वर्णयुग मानते हैं। गुप्त काल की सृजन शक्तियाँ इस बात को दर्शाती है कि यह काल पूर्व की अपेक्षा या बाद में आने वाले अन्य साम्राज्यों के अपेक्षा अपने लिए एक उत्कृष्ट उदाहरण था। गुप्त काल की तुलना कभी कभी हर्ष काल से करने के बाद यह प्रतीत होता है कि यह भ्रम है, मिथक है। कुछ एक उदाहरण गुप्त काल में हर्षवर्धन के काल को भी जोड़कर देखा जाता है, क्योंकि इस समय सामंतवादी व्यवस्था मजबूत हो चुकी थी। हर्षकाल में शोषणकारी प्रवृत्तियों में विकास वृद्धि हो रही थी। चूँकि गुप्त शासक कई बार अपने पदाधिकारियों के वेतन के बदले में भूमि का अनुदान देते थे, गुप्त युग का अंत होते होते भारत के सभी के साथ व्यापारिक संबंध छिन्न होने लगे थे। तो ऐसी स्थितियों में गुप्त काल को स्वर्णयुग का मिथक माना जाता है, और कहा जाता है कि यह स्वर्णयुग नहीं है। इसके आधे युग को हम स्वर्णयुग की संज्ञा दे सकते हैं, लेकिन बाद के काल को ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि इस काल में उत्तर पश्चिम में हूनों का अधिकार हो जाता है, जिस पर व्यापार पर प्रभाव पड़ता है। क्योंकि भारत से मध्य एशिया, दक्षिण पश्चिम एशिया आदि से होने वाले व्यापार मार्गों पर हूनों का अधिकार हो जाता है, और गुप्त शासकों ने हूनों से निदान पाने के लिए किसी भी प्रकार का कोई सार्थक प्रयास नहीं किया। इस काल में जाति व्यवस्था काफ़ी निंदनीय हो जाती है, नारियों की स्थिति में काफ़ी गिरावट आती है, बाल विवाह प्रारंभ हो जाते हैं, नारी शिक्षा अपना अधिकार खो देती है, विधवा विवाह पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है, अस्पृश्यता जैसी घृणित व्यवहार का प्रयोग होना शुरू होता है। इस काल के अंत होते होते बुद्ध धर्म का भी पतन होना प्रारंभ हो जाता है।
इस काल में गुप्त शासकों ने अपने नाम के आधार पर चक्रवर्ती, सम्राट का उपयोग किया। उन्होंने कभी भी पूरे भारत को एक सूत्र में सामाजिक और राजनीतिक रूप से बांधने में सफल नहीं हुए। गुप्त शासक दक्षिण भारत को लूटकर वहां के धन पर प्रभुत्व जमा कर उसे उत्तर भारत में लाए। वे सिर्फ अपनी शक्ति को सुदृढ़ करने का प्रयास मात्र किए। हालांकि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य न्यायप्रिय थे, उनके दरबार में 9 रत्न थे, लेकिन इनके द्वारा भी कभी भी अशोक की परंपरा का निर्वहन नहीं किया गया। सिर्फ 9 रत्नों की उपस्थिति के आधार पर यदि हम गुप्त युग को स्वर्ण युग का दर्जा दें तो उचित प्रतीत नहीं होता। यदि कालिदास एक महान कवि थे तो उनकी कृतियाँ काफ़ी महान थी, फिर भी उनके साहित्य से कभी भी आम जीवन की झलक हमें देखने को नहीं मिलती। वे आम नागरिकों के कवि न थे, वे सिर्फ अभिजात और पढ़े लिखे शिक्षित लोगों के कवि प्रतीत होते हैं। जिस भाषा में उन्होंने अपनी साहित्य का सृजन किया वह आम लोगों की बोलचाल की भाषा नहीं थी। हालांकि फिर भी वे महान थे, उनकी कृतियाँ आज भी महान हैं। उनकी महानता ने तत्कालीन समाज को किस प्रकार प्रभावित किया यह विचार करने का प्रश्न है। गुप्त युग के अंदर तथा साथ ही साथ गणतांत्रिक व्यवस्था का अंत हो जाता है। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य गणतंत्र प्रणाली को ही समाप्त कर देता है। इन सबों के बावजूद भी हम गुप्त काल को स्वर्ण युग मानते हैं, क्योंकि इस काल में गुप्त युग की सृजन की शक्तियाँ प्रभावित नहीं होती। कहीं भी संघर्ष की स्थिति या तनाव की स्थिति नहीं होती। पूरे समाज में शांति और सौहार्द कायम होता है।